जी प्लीज ज्वाइन अस वन सेकंड. क्या बात है. अच्छा बालाजी अब बारी है फिर एक बार उनकी जिन्होंने वादा किया था मैं दोबारा आऊंगा. उदित नारायण जी जोरदार तालियों के साथ. And the absolutely down to earth melodious voice of India, the very prominent playback singer of our industry, Sadhana Sangam ji, will join us on stage. देसाई जी जिन्होंने इतना प्यारा सा किताब आज की मोनोग्राफ उन्होंने बनाया है खास दादू के लिए 44 इयर्स के उनकी जिंदगी का सफर कवर करते हुए. यस यस उनको खास बुलाना. देखिए दादू बड़े मुस्कुरा रहे हैं. जलोटा जी के हाथों से इसका विमोचन किया जाएगा. रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा गोप कुमार जी इज रेडी विद अस एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अनूप जलोटा जी टू प्लीज डू द ऑनर्स. हम ये चाहेंगे कि राजश्री फिल्म से राज बाबू यहाँ पर मौजूद है. इनफैक्ट पहले से मौजूद है. कहने तालियां हो जाए क्योंकि दादू के साथ में इनका एसोसिएशन इतना कमाल का था कि उनके करियर की शुरुआत वहां से हुई है. मैं चाहूंगा उनका भी यहाँ पर बहुत भजन जगत का भू अंतहीन ज्ञानी गुणी मेरा अनुज अनुप. अनुज से बहुत ही बढ़िया रिश्ता है और बहुत हमेशा हम एक दूसरे के बिना कोई फंक्शन मुझे नहीं लगता है होता है. चाहे हमें इनविटेशन हो कि ना हो ये पता चल जाएगी हम ये कार्यक्रम हो रहा है. ऐसा ही अनुप का है. अपना रेडियो का गाना गा के यहाँ सीधा आ रहा है मेरे पास और बहुत बहुत इसका प्यार है. दोस्तों अनूप के जो फादर परम सम्मानीय है पुरुषोत्तम दास जी जलोटा जिनको अलीगढ़ में बचपन में देखा था और अलीगढ़ के जो मेरा मूल नाम है उससे बम्बई में सिर्फ वही मुझे पुकारते थे. रविंद्र तो मेरा नाम बाद में कहा रब्बो बुलाते थे मुझे और बहुत प्यार से बुलाते थे. मैं उसको प्रणाम करता हूँ. और ये गीत
मैं जरूर गाना चाहूँगा और मैं ये प्रार्थना करूँगा मेरे सिंगर से कि जिनका पोर्शन हो वो आके आपके पास खड़े रहें, ठीक है? और याद हो जाएगा तो भाभी ले ली, कोई बात नहीं। चलिए मेरे म्यूजिशंस को बुला लेंगे। I'm not afraid.